रोलिंग आराम से अमित ग्रो बैरी एंड रोलिंग एक्शन बैन एम एंटर बैन फ्लोरे देखते हो सर बैन टू अहम कीप स्माइलिंग एंड द वॉक कोई जॉब नहीं वो लुक इधर उधर इतना वहीं बैठे बैठे का कंटिन्यू ऊपर वाला मार्क बनाओ कर करो ओके हाँ कर लो उसको अच्छा ओके बस चुप हाँ पूरा ऑर्डर ले रहा हूँ डायलॉग रोल से डायलॉग आ चुके हो मोनिका नवाज और हाँ ये आई बोल मोनिका भी है दोनों बहुत बढ़िया ब्लॉग है एकदम करेक्ट सॉरी कर कोई बात कोई नहीं एक्शन कट ओके या इधर मतलब क्या कट ये अच्छा लॉग है स्लो डोले है ना लोग बहुत कैमरा रोल मोनिका नवाज एंड रोलिंग एक्शन तुम्हारी आंखें मुझे देखना नहीं चाहते सर, मैं
क्या नहीं कर सकते? डर लग रहा था तो वो तुम करोगी कैसे? तो फिर मेरी पत्नी बनने का नाटक बंद कर। ओके आज करीब आते आते फिर से रुके। हाँ जी बिल्कुल रुक गए। राधिका और अर्जुन को भी करीब आने में काफ़ी समय है क्योंकि अभी दोनों को रियलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो सच में करीब आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ प्ले अलोंग कर रहे हैं और अलोंग अलोंग में कितना आगे तक बढ़ जा रहे हैं देखा वो तो देखा जाएगा। अच्छा लेकिन राधिका भी चुपचाप थी, अर्जुन काफ़ी रोमांटिक सीन था, दोनों ही ये अर्जुन और राधिका काफ़ी डूबे हुए लग रहे थे एक दूसरे को, ऐसा दिख रहे थे लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आप अगर देखेंगे तो अर्जुन की सच्चाई कुछ और ही है, वो अपने मुद्दे के कारण राधिका को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन राधिका हाँ आज कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हुई, अफेक्ट हुई, लेकिन उसके लिए भी बैक ऑफ द माइंड उसके लिए भी वही है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कितना आगे बढ़ता है। और आज जब पता चला कि अर्जुन पीछे हट गए तो राधिका भी और ज़्यादा अफेक्टेड थी कि हाँ इसमें एक अच्छा इंसान है, और बस ऐसे ही छोटी छोटी बातें ज़्यादा मैटर करती हैं दोनों के बीच। झुकाव तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन उसे अर्जुन का जो अच्छे इंसान वाला जो रूप है वो दिखाई दे रहा है और अब उसे और कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहा है कि अर्जुन दिल से सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद वो भी ये बात नहीं जानते हैं और राधिका चाहती है कि वो ये बात जाने। यू वेलकम। अभी पार्टी तो नहीं हो रही है, बेसिकली डिनर पे आए हैं और आई हैव टू गो नाउ, कैन यू प्लीज़ बेसिकली हो क्या रहा है